दूसरों को नकारा निकम्मा कहने वाले गहलोत जी खुद के गृह मंत्री होने पर क्या कहेंगे। अपराध रोकने में उनकी नाकामी पर पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। दूसरे राज्यों में पुलिस को देख अपराधी छिपते हैं या अपराधियों को कहीं रोकती पुलिस नजर नहीं आती। कांग्रेस के 4 साल में राजस्थान का कोई कोना अपराधियों से नहीं छूटा। मुख्यमंत्री को अपनी जिम्मेदारी पर जनता के लिए विचार करना चाहिए। इनसे संभल नहीं रहा। राजस्थान में हर तरह के अपराधियों को खुली छूट है और सरकार अपनी जिम्मेदारी संभालने में नाकाम है। चारों ही ट्वीट में हैशटैग नहीं संभलता तो छोड़ दो, ये ट्वीट है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के। शेखावत जोधपुर सीट से लोकसभा सांसद हैं और राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कसते हुए तैयारियां तेज कर दी। गहलोत सरकार जहां 4 साल बेहतर कामकाज का हवाला देते हुए सत्ता रिपीट का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी पेपर लीक और कानून व्यवस्था के मामले पर सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने में लगी हुई है। प्रदेश बीजेपी नेतृत्व के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है। पीएम मोदी पिछले 3 महीनों में 2 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। उनके दोनों ही दौरों को आदिवासी वोट बैंक और गुजर वोट बैंक को साधने का प्रयास बताया गया। चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी भी जमकर तेज हो गई। सत्ताधारी दल कांग्रेस के साथ ही विपक्षी दल एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष कर रहे हैं। इसका उदाहरण पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के इन आरोप प्रत्यारोप से ही समझा जा सकता है। चुनावी साल के बीच प्रदेश का बजट सत्र भी चल रहा है, जहां हर दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस देखने को मिल रही है, तो वहीं इन नेताओं के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी जमकर वाक युद्ध चल रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सूबे की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जमकर कोसा। बीते 4 सालों से ही बीजेपी के प्रदेश के नेताओं और केंद्रीय दल के साथ ही कई बार तो खुद कांग्रेस के नेताओं ने ही सूबे की बिगड़ती कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाया। सचिन पायलट भी इसकी एक बानगी रहे, जब डेप्यूटी सीएम रहते हुए अपनी ही सरकार को कानून व्यवस्था की सीख दे डाली थी।